नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हम अपने दर्शकों के आभारी हैं जो आप हमारे चैनल पर बने हुए हैं। हम कई दिनों के बाद आपके सामने प्रस्तुत हो पाते हैं, बहुत सारी भागदौड़ है, इसके लिए हम माफी मांगते हैं। रही बात ये, बिहार में राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज है। चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति का टेम्परेचर बढ़ाया ही, साथ में एनडीए में खलबली मचा दी है। उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी को बार बार ट्वीट करके ये कहना पड़ता है, हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। अब राजनीतिक जगत में जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर बहन मायावती जी किसे समझाने की कोशिश कर रही हैं? क्योंकि जो बसपा के मतदाता है, जो कैडर है, कोर वोटर है, बसपा का चुनाव चिन्ह उन्हें पता है। अगर बसपा का चुनाव चिन्ह ना हो तो वह वोट ऐसा सॉलिड वोट है कि इधर उधर चला जाता है, गठबंधन पार्टनर को भी नहीं जा पाता। तो आखिर बहन मायावती जी किसे समझा रही है? कुछ लोग तो यह भी कमेंट्स पास कर देते हैं, तंज कसते हैं कि बहन जी भाजपा को यह कहना चाहती है कि ईडी सीबीआई को मत भेजना, हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और आपका रास्ता क्लियर है। लोग ये भी कहते हैं, लेकिन बसपा के मतदाता, जो बसपा के शुभचिंतक हैं, जो बहुजन समाज से लगाव रखते हैं, उनका यह मानना है कि अगर गठबंधन होता बसपा का और बसपा एक मुख्य भूमिका में आती, एक चेहरा बनती, तो मोदी जी के लिए परेशानी बन जाती। लेकिन ऐसा संभव दिख नहीं रहा है, क्योंकि बहन मायावती जी बार बार अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कह देती हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, और इससे दिल्ली की धड़कनें जो तेज रहती है वो धीरे धीरे शांत पड़ जाती है। उधर चिराग पासवान बिहार में और पशुपति पारस, ये चाचा भतीजा हैं, लोजपा दोफार हो गई। पशुपति पारस 5 सांसदों के साथ लोजपा को छोड़कर अलग पार्टी बना ली, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। और चिराग पासवान ने ये कहा कि रामविलास पासवान का मैं पुत्र हूं, इसलिए उनका उत्तराधिकारी हूं। तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी एलजेपीआर इनके पास है। अब ये भी मांग रहे हैं 6 सीट, वह भी मांग रहे हैं 5 सीट, तो 11 सीट, 10 सीट भाजपा के पास नहीं है बिहार में। वो दोनों को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो रामविलास पासवान के समर्थक थे, जो पासवान समुदाय है बिहार का, वह रामविलास पासवान से लगाव रखता है और उनके पुत्र से लगाव रखता है। तो ये एससी एसटी वोट चिराग पासवान के तरफ ज्यादा जाएगा, और देखने में भी आया है कि चिराग पासवान की जो रैली है उसकी भीड़ की तुलना अगर करते हैं पशुपति पारस की, तो पशुपति पारस केवल जाति से पासवान हैं और रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं, लेकिन कोई क्रेज नहीं है एससी एसटी जो समुदाय के अंदर। अब प्रश्न यह उठता है कि लगे हाथ तेजस्वी यादव चाहते हैं कि चिराग पासवान को लपक लें। एनडीए के लिए ये खतरे की घंटी है। एनडीए के पास मुकेश सहनी भी धरना पे बैठे हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी हैं, यानी जितनी जाति उतने नेता, और सबके सब इकट्ठे हो रहे हैं, हमें भी चाहिए सीट, भाजपा कहां से दे? बिहार के लिए उसकी सबसे बड़ी टेंशन ये है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि कांग्रेस को टारगेट करके और अखिलेश यादव को टारगेट करके हम आसानी से 80 के 80 लोकसभा सीट जीत लेंगे, क्योंकि बहन मायावती जी जो एससी एसटी वोट है वो काट लेंगी। बहन मायावती जी का कहना यह भी है कि हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, लेकिन एक तरफ बहन जी ये भी कहते हैं कि हमें अपनी ताकत का अंदाजा भी हो जाएगा, चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। उनका कहना यह भी है कि हम पोस्ट पोल अलायंस करेंगे, यानी चुनाव के बाद हम अलायंस करेंगे। अब यहां पर प्रश्न यह उठता है कि सपा और बसपा जब गठबंधन में थी 2019 में, तब 10 सीट आई थी बसपा को और 5 सीट सपा को आई थी।
अब की बार जो है बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी, क्या 10 सीट आ पाएगी या 10 से ज्यादा आ पाएगी? बहन मायावती जी के पास ऐसा कौन सा तंत्र मंत्र है, यंत्र है, जिसके आधार पर वो कह रही हैं कि हम पोस्ट पोल अलायंस करेंगे, हमारे पास चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे? वो रिजल्ट आएंगे कैसे? क्या घोषणा पत्र जारी करने वाली हैं अथवा किसी और के साथ गठबंधन? तो हम कह भी नहीं सकते, क्योंकि बार बार वो कह रहे हैं कि अकेले हम लड़ेंगे, ओवैसी के साथ चुनाव लड़ेंगे, ये भी उन्होंने मना किया। बिल्कुल एकला चलो की सिद्धांत पे बात कर रही है, जो उनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उससे तो क्लियर हो जाता है कि वो ओवैसी के साथ भी नहीं जा रहे हैं, वो महागठबंधन में भी नहीं जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन में भी नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल बसपा शुद्ध रूप से अकेले चुनाव लड़ेगी, तो कितनी सीटें निकालेगी? और अकेले चुनाव लड़े उनकी पार्टी है, ये बार बार ये कहना कि हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं किसी को समझा रहे हैं? जैसे ही वो मीडिया में खबरें आना शुरू हो जाता है कि बहन मायावती जी की और सोनिया गांधी जी की नजदीकियां हैं, कांग्रेस से उनकी बात चल रही है, बहुत तरह की जो है वीडियो वायरल होता है, जब खबरें निकलकर आती है वरिष्ठ पत्रकार इसके ऊपर विश्लेषण करने लग जाते हैं, तो ताबड़तोड़ उधर से ट्वीट हो जाता है कि नहीं नहीं ऐसी बातें मत कीजिए, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो ये किसको समझा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है राजनीति के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, और जितने भी हैं इंडिया गठबंधन वाले, वो इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं अगर बहन मायावती जी के पास वोट ही नहीं है? अगर 13% ही वोट है तो फिर वो इतना इंटरेस्टेड क्यों, और खास करके इंडिया गठबंधन के घटक दल से ज्यादा इंटरेस्ट दर्शक दिखाते हैं, मतदाता दिखाते हैं, आम जनता दिखाती है कि बहन मायावती जी को इंडिया गठबंधन में होना चाहिए। इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन के पास भी कुछ कमजोरी है जो बसपा से भरपाई हो सकती है, और बसपा किस बलबूते पे ये कहती है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे? किसे समझाना है? अथवा कोई अंदर खाते बात हो रही है, राजनीति से कोई अलग मंच है, कोई अलग सेटिंग गेटिंग है, यह समझ में नहीं आता पत्रकारों को, क्योंकि पत्रकारों के पास जो खबरें निकल कर आती है वही आपके सामने हम परोस सकते हैं। अब महाराष्ट्र में हवा हुई, नितिन गडकरी जी जो है भाजपा से बाहर जा रहे हैं, खबरें बनना शुरू हो गया। उधर एनडीए ने अपना जितना भी सीट शेयरिंग फाइनल कर लिया। उधर पश्चिम बंगाल में ममता दीदी बिल्कुल 42 के 42 सीट पे अकेले चुनाव लड़ेंगे, वो भी किसी से गठबंधन नहीं कर रहे हैं। तो विपक्ष जो है करीब करीब पूरे भारत में बिखरा हुआ दिख रहा है, और जो एनडीए में खास करके भाजपा, क्योंकि ये छोटे छोटे दलों को साथ करके ये एनडीए नाम दे देते हैं, लेकिन इसको हम भाजपा ही कह सकते हैं, ये अपना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हर जगह फिट कर रहे हैं। बिहार में इनको टेंशन बढ़ रही है, और ये टेंशन कुछ बड़ी होने वाली है, क्योंकि तेजस्वी यादव के तरफ अगर चिराग पासवान चले जाते हैं तो ये एनडीए के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। करीब 70-30 का मामला हो जाएगा, इंडिया गठबंधन के पास 70% मतदाता एक तरफ रहेंगे और मात्र 25-30% जो है ये मतदाता एनडीए के पास रहेंगे। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि मुकेश सहनी होंगे, उपेंद्र कुशवाहा होंगे, नीतीश कुमार होंगे और भाजपा है, तब भी जो आंकड़े आ रहे हैं निकलकर, इनके पास मात्र 30% ही मतदाता हो पाएंगे, क्योंकि जो लालू प्रसाद यादव का वोट बैंक है जो कांग्रेस का है, और ऊपर से 6-8% तक चिराग पासवान का वोट अगर उसमें शामिल हो जाता है तो 50-60% से ऊपर क्रॉस कर जाएगा। यह बिहार की हालत है, और यही भाजपा का यानी भारतीय जनता पार्टी की चिंता का मेन सबब है कि चिराग पासवान छिटक कर इंडिया गठबंधन में ना चले जाए। रही बात यह, इंडिया गठबंधन में अभी तक अरविंद केजरीवाल और बाकी जो लोग हैं बिल्कुल तैयारी में लगे हुए हैं। मेन पेच है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है और गुजरात में 26 लोकसभा सीट है। यहां तक कि गुजरात में भरूच सीट पर जो आम आदमी पार्टी को टिकट दिया गया है,
सीट शेयरिंग में आम आदमी पार्टी के पास गया है। वहां राहुल गांधी आम मतदाता से मिलते हुए नजर आए, वोट मांगते नजर आए, और आम आदमी पार्टी के लिए। तो ये तो है इंडिया गठबंधन। सबकी निगाहें जो टिकी हुई है उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीट पर, जहां पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आजाद समाज पार्टी सब सब एकजुट है इंडिया गठबंधन में। भाजपा का अपना है गठबंधन जिसमें अनुप्रिया पटेल हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, ये संजय निषाद हैं। तो भाजपा अपनी तैयारी कर रही है और बहुजन समाज पार्टी करीब करीब पूरे उत्तर प्रदेश के 80 की 80 लोकसभा सीट पर अपना दमखम रखती है। अगर दमदार कैंडिडेट उतार दिया गया तो नुकसान किसका होगा, भाजपा का होगा या इंडिया गठबंधन का होगा? या इंडिया गठबंधन का सफाया हो जाएगा और जो आस लगी हुई है इंडिया गठबंधन की, उनके जगह बसपा के कैंडिडेट जीतेंगे? कुछ ऐसा ही बातचीत हो रही है आम जनता के बीच, क्योंकि बसपा भी दमखम रखती है उत्तर प्रदेश में। और हो सकता है यही सारी सूचनाओं को लेकर बहन मायावती जी ये सोच रही है कि हम अकेले चुनाव लड़कर अपने कोर वोटर को एकत्रित कर पाए। कहा जाता है बसपा के पास अभी भी जाटव वोट जो है वो एकत्रित है, जो गैर जाटव हैं उसे बसपा से काटने की कोशिश की गई, कुछ भाजपा के द्वारा, कुछ कांग्रेस के द्वारा और कुछ आजाद समाज पार्टी के द्वारा भी काटने की फिलहाल कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी भी डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर इस तरह से जो है वोट काटने की कोशिश की, लेकिन बसपा पूरी तरह से कटी नहीं है और बसपा ने इन्हीं तमाम कारणों को देखते हुए अकेले चुनाव लड़ने का मन बनाया है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।